आदमी अभी फोन करके पूरा काफी धमका रहे थे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है कोर्ट मैरिज कपल ब्लॉग में। तो दोस्तों, हम लोग अभी खाना पीना खा लिए हैं और झोपड़ी घर में आ गए हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे काम बचा हुआ था, ये वाला को पूरा अच्छा तरीका से सोलिंग कर देंगे और यहाँ पे बालू दे देंगे, अच्छा तरीका से करके ढालना है। और दोस्तों, फ़ोन नंबर वीडियो में दिए हुए थे, वहाँ से हम लोग को एक आदमी अभी फ़ोन करके पूरा काफ़ी धमका रहे थे, हम लोग को बोल रहे थे कि आप लोग का चैनल डिलीट हो जाएगा, बचाना है तो हमको 6,000 रुपया दे दीजिए, नहीं तो फिर बचा देंगे, और नहीं तो फिर आपका चैनल कल सुबह तक में डिलीट हो जाएगा, नहीं भेजिएगा पैसा तो चैनल को डिलीट करवा देंगे, ऐसे बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था, धमकी दे रहा था, ऐसे ही बोल रहे थे। तो उसको समझना चाहिए कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं, किसी तरह दो चार पैसा कमाते हैं, और लोग हम लोग के बारे में ऐसा बोलते हैं और लूटने का कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद का मेहनत करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग तो अभी एक भी पेमेंट नहीं आया हुआ है और ऐसे आदमी कर रहे हैं, एक दो वीडियो में जहाँ व्यूज देखते हैं और फिर पैसा बोलने लगते हैं और पूरा धमका रहे। रिकॉर्डिंग भी उसका कर लिए हैं लेकिन नहीं डालेंगे, क्योंकि डाल देंगे तो अच्छा बात नहीं है किसी का ऐसा डाल देना, इसीलिए हम लोग अभी नहीं डाल दे रहे हैं। और इधर का करने के लिए आ गए हैं, और ये वाला थोड़ा सा बचा हुआ है हम लोग का, उसके बाद यहाँ पे पूरा साफ़ सफाई कर देना है। तो यहाँ पे हम ईटा सोलिंग करके अच्छा तरीका से मसला दे के ढाल दिए, पूरा अच्छा हो गया। और दोस्तों, यहाँ पे बालू नहीं है, बालू मेरा पूरा ख़त्म हो गया, तो ही उधर में माइंड में जो लाया हुआ था बोरा में भर करके, तो ही वाला को ले आने के लिए जा रहे हैं हम। और इधर तो बालू एकदम पूरा सारा ख़त्म हो गया है, इसीलिए वहीं पे जा करके लानना होगा। तो अभी हम करनी उठा लिए हैं, आधा आधा करके लानना पड़ेगा, क्योंकि पूरा नहीं लानने के लिए सकेंगे, इसीलिए यहाँ पे गमला रखा हुआ है, ये वाला गमला, गमला को ले करके जाते हैं और आधा आधा करके उठा उठा करके लाते हैं और जोड़ाई फिर स्टार्ट करते हैं। और अभी तक तो शक्ति अभी नहीं आई हुई है, और आज भी एकदम काफ़ी धूप दे रहा है, पूरा आज भी काफ़ी धूप है, कल तो थोड़ा बारिश आया हुआ था तो कल ठंड था, और पूरा एकदम गर्मी दे रहा है। और इधर एकदम पूरा अच्छा तरीका से सुबह में कर दिए हुए हैं, ये वाला इधर पानी को इधर कर दिए, क्योंकि उधर घर में घुस जा रहा था, इसीलिए यहाँ पे अच्छा तरीका से पूरा प्लेन करके गड्ढा कर दिया ना, सब पानी उधर जाके निकलेगा। और यहाँ पे पूरा साफ़ सुथरा कर दिए, तो अभी पूरा अच्छा दिख रहा है, उधर भी पूरा साफ़ सुथरा करना है, लेकिन ये सब पहले कर लेंगे, उसके बाद फिर साफ़ सुथरा चालू कर देंगे। और अभी जा रहे हैं वहाँ पे बालू लाने के लिए, तो अभी हम जल्दी से जाते हैं और उठा करके ले आते हैं। और यहाँ पर भी कोड़ करके ये आर में मिट्टी को दे दिए हैं और उधर में दे दिए हैं, क्योंकि यहीं पे सब नीचे आता था यहाँ पे, और सब घर में घुस जा रहा था, इसीलिए ये वाला को टेक दिया ना, अच्छा हो गया। और ये सब जितना छेदा था वो सब को पूरा बंद कर दिए, फिर अंदर में कुछ नहीं जाएगा, इसीलिए बंद कर दिए हुए थे। तो हम अभी पहुंच गए हैं बोरा का जगह में, यही वाला बोरा दोनों है, तो इसको अभी जल्दी से खोलते हैं और यहाँ पे गमला में भर लेते, थोड़ा थोड़ा ले जाएंगे, अभी शक्ति नहीं आई हुई है तो कोई नहीं उठा देगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके ले जाएंगे। और इधर कोई आदमी रहता तो उठाने के लिए बोलते, लेकिन यहाँ पे कोई आदमी नहीं, एकदम चारों साइड से कोई नहीं है एकदम पूरा, और धूप एकदम काफ़ी उगा हुआ है। तो ये वाला को जल्दी से खोलते हैं और ले जाते हैं। तो हम बालू को उठा लिए गमला में और ले करके चल दिए, और धीरे धीरे सभी को ले जाना होगा, अभी तो ये गमला ले जा रहे हैं, फिर आ करके सब बोरा को ले जाना है यहाँ पर से। यहाँ पे कोई काम नहीं है रहने देने से, इसीलिए सबको वहीं पे ले जाएंगे, कितना बार बार एक ही काम को करेंगे, इसीलिए पहले सब बालू को ले जाते हैं, उसके बाद फिर जोड़ाई चालू करेंगे। और शक्ति तो अभी तक नहीं आई हुई है, अब कब तक आती है देखते हैं, इंतज़ार करते हैं उसका, तब तक हम बालू को ले जाते हैं। तो हम यहाँ वाला पूरा बालू को ले करके ख़त्म कर लिए, और थोड़ा सा ये वाला बोरी बचा हुआ था तो ले जाने के लिए आए हुए हैं, और एकदम काफ़ी गर्मी लगने लगा, पूरा शर्ट पूरा भींग गया, और काफ़ी वजन भी लगता है, वो चल रहा है इतना ना, और पूरा गर्मी दे रहा है, एकदम मरने का जैसा लग रहा है, इतना गर्मी दे रहा है। चलिए ये बोरी को ले जाएंगे, और शक्ति भी देखे हैं वो उधर आ रही है, तो चलिए जाते हैं जल्दी से
और पानी प्यास भी काफ़ी ज़ोर से लगा हुआ है, तो पानी भी पीना होगा। तो हम यहाँ पे ला करके रख लिए थे गमला को भी और बोरा को भी ला करके रख दिए हैं, और आधा सबको पूरा अंदर में घुसा दिए हैं। और एकदम पूरा गर्मी लग रहा है, पूरा गर्मी लग रहा है, एकदम पूरा भींग गया, पसीना पसीना हो गया। इधर शक्ति आ गई, इसका भी एकदम पूरा पसीना पसीना हो करके आई हुई है। काफ़ी एकदम चलने से एकदम धूप लगता है और काम करने से तो एकदम पूरा शर्ट भींग गया, ये पूरा भींग गया। पानी पीजिएगा। हाँ पानी पी लेते हैं और लगे। नहीं एकदम भींग गया, तो इसको अभी खोल करके थोड़ा सूखने के लिए देंगे, नहीं तो पूरा एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। खोल देते हैं इसको और यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा नहीं लाए हुए थे, तो इसको अभी उधर सूखने के लिए देते हैं और सूखेगा फिर पहन लेंगे, और रात में शाम में जा करके काँचेंगे इसको। और इतना सारा बालू ला लिए हैं हम, पूरा इतना जमा कर लिए हैं यहाँ पे, और वहाँ पे ला करके रखे हुए हैं, वो सबको भी उतारेंगे। और सामान क्या क्या ले करके आई है शक्ति, वो आप लोग को भी दिखाएंगे। चलिए क्या क्या लाई है शक्ति, अभी इतना भर करके पूरा सामान लाई है, आप कहाँ कहाँ लाई है, तो यहाँ पे अभी बैठ करके खोल करके पहले देख लेते हैं। चलिए क्या क्या लाई है लिखा, ये अभी शक्ति इधर खोल रही है, तो शक्ति इधर अभी प्लास्टिक को खोल रही है, क्या क्या लाई हुई है वो आप भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे सूजी लाई हुई है, तो ये वाला मैदा लेकर के आई है रोटी पकाने के लिए, और ये भी सूजी है, और ये तेल लेकर के आई है हाफ के जी, हाफ के जी ना, हाफ के जी का तेल लेकर के आई है, और ये वाला चीनी लेकर के आई हुई है, ये वाला हजमोला लेकर के आई है, और यहाँ पे खाने के लिए ब्रेड भी लाई हुई सकती, और इधर ये वाला क्या बोलते हैं कुकने, ये वाला भी ले करके आई है खाने के लिए। और मेरा एकदम पूरा और सारा एकदम पसीना दे रहा है, तो एकदम पूरा पसीना पसीना हो गया। तो इतना सारा सामान ले करके आई हुई है, और अभी इसका प्रोग्राम है कि रोटी बनाएंगे, तो शक्ति अभी नहीं बनाएगी क्योंकि अभी बहुत सारा गर्मी लग रहा है, वो थोड़ा शाम शाम में बनाएगी। अभी थोड़ा सा हम बालू लें और आप लोग देख सकते हैं कि कितना पसीना पसीना हो गया, पूरा पसीना से एकदम पूरा शर्ट भी भींज गया और ऊपर से पूरा पसीना चूरा है, ऐसा लग रहा है कि हम नहा करके आए हुए हैं वैसा। हम उतना दूर से आए हुए हैं, से हमको पूरा गर्मी दे रहा है। शक्ति को भी एकदम काफी गर्मी दे रहा है, पूरा भींग गए हैं, खाली चलने से पूरा भींग जाते हैं और काम करने से तो ये हाल हो जाता है। और इसीलिए पेड़ पौधा को लगाना चाहिए, तो आदमी धीरे धीरे काटते हैं लेकिन लगाते नहीं है, पेड़ रहेगा तो फिर ऐसा नौबत नहीं आएगा, इसीलिए लगाना चाहिए। हम भी अपना घर तरफ उधर आम लगाए हुए हैं, बहुत सारा चीज़ लगाए हुए हैं, इसी तरह आप सभी लोग मिल करके कुछ कुछ पेड़ लगाइए इधर उधर, क्योंकि ऐसा गर्मी नहीं लगेगा, इसीलिए अगर पेड़ पौधा रहेगा तो थोड़ा हवा आएगा तो फिर अच्छा लगता है क्या। हाँ। अभी तो इधर थोड़ा पेड़ उड़ है ना, तो थोड़ा अभी बैठते हैं तो फिर हवा चलता है ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है, हवा से अच्छा हवा देता है। हाँ ये हानिकारक भी नहीं है, इसीलिए आप लोग भी से विनती है कि पेड़ पौधा लगाएंगे का। चलिए तो अभी इतना सारा सामान तो लाई है, इसको फिर से साज देते हैं और शाम में बनाएगी। तो हम शर्ट को खोल लिए हैं और यहाँ पे सूखने के लिए दिए, क्योंकि काफ़ी एकदम पूरा भींग गया हुआ था। और शक्ति अभी यहाँ पे बैठी हुई है, और हम यहाँ पे पूरा मसाला को अच्छा तरीका से मिक्स कर लिए हैं और अभी उधर जोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे अच्छा तरीका से पूरा सूता बांध करके और एक रदा पूरा अच्छा तरीका से जोड़ाई कर दिए हुए हैं, और सारा अभी 3 ईंटा या 4 ईंटा ऊपर उठाना है तब अच्छा होगा। तो चलिए मेरा एक रदा पूरा कम्प्लीट हो गया, और शक्ति भी अभी उठ गई और अंदर जा रही है, वो कुछ काम होगा अंदर में इसीलिए गई हुई है। यहाँ पे पूरा ऊपर ऊपर में शक्ति मसाला देगी, और इधर अभी रेस्ट काफ़ी कर ली, अब धीरे धीरे ये सब में मसाला दे देगी। यहाँ एकदम पूरा अच्छा दिख रहा है और पूरा अच्छा तरीका से भी जोड़ाई किए हुए हैं, मस्त है। और पानी आया हुआ था तो ईंटा भींगा हुआ है, इसीलिए ईंटा को नहीं भींगा ले रहे, और उधर पूरा दे रही है शक्ति, तो हम जल्दी से ये सब में जैन सब में भर देते हैं।
तो दोस्तों हम इतना सारा उठा लिए, यहाँ पे चार रादा उठा लिए और इधर साइड से मिट्टी सबको नीचे में घसका दिया, और ये वाला को पूरा मिट्टी दे करके पलन करना होगा। और यहाँ पे और अभी एक रादा उठाना है, एक रादा इसको उठा देना है, इसीलिए मसाला वहाँ पे बना रहे थे। और काफ़ी ज़ोर से भूख लगा हुआ है, इसीलिए खाने के लिए जा रहे हैं, और टाइम भी हो गया है, 1 बज गया है। तो हम लोग अभी पानी लाने के लिए जा रहे हैं, शक्ति डबा ले ली है और अभी पानी लाते हैं, चलिए धो लेंगे वहीं। तो पानी उठा लिए हैं और अभी लेके जाएंगे वहाँ खाने के लिए, चलिए। मुँह कान धोवा भी लिए हैं, चटाई को बिछा लिए हैं और दोनों अभी खाना को खाने के लिए जा रहे हैं। और आज शक्ति बनाई है, ये चना का दाल है और आलू, और अभी खाने के लिए दोनों जा रहे हैं। खा करके ये वाला को फिर कर देना होगा। तो दोस्तों हम ये वाला लकड़ी को हटाने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे हाल चल रहा है, इसीलिए मालिक अभी बोले हुए हैं ये सब लकड़ी को हटा देने के लिए, और यह सब में पूरा जुताई होगा, इसीलिए उधर ट्रैक्टर अभी तो हार चल रहा है, इसीलिए ये वाला को इधर साइड करने के लिए बोले हुए हैं। तो हम अभी साइड करने के लिए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर से पूरा लकड़ी को ऊपर उठा दिए और वहाँ पे अभी रख दिए, और हम अभी जा रहे हैं, वो वाला थोड़ा बचा हुआ है उसको हम पूरा कर दे लेंगे, उसके बाद इधर कुछ काम करेंगे, और उधर एकदम पूरा ये जितना टाँड है ये सब को पूरा जुताई कर देगा, इसीलिए ये सब लकड़ी को हटाने के लिए बोले हुए थे। तो हम पूरा हटा दिया और यहाँ से एकदम पूरा उधर जुताई हो जाएगा, उधर खेत का पूरा जुताई कर रहे थे, अब इधर जुताई कर रहे हैं, और वहाँ पे अभी मालिक है, वो नहीं दिखाने के लिए बोलते हैं, इसीलिए आप लोग को वहाँ जा कर के नहीं दिखाएंगे, नहीं तो फिर हम लोग को बोलने लगेंगे, इसीलिए आप लोग को नहीं दिखाते हैं। हम पहुंच गए झोपड़ी घर में, और ये वाला को यहाँ पे एक रादा जोड़ना है, जल्दी से ये वाला को जोड़ देते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे, टाइम बचेगा तो फिर इधर बोलेंगे तो इधर जाएंगे, तो अभी ये वाला को कर देते हैं। तो मेरा वो वाला पूरा कंप्लीट हो गया, रकम काफ़ी जोर से बारिश भी देने लगा, काफ़ी इधर भीग गया, और पूरा एकदम उधर हवा पानी चल रहा है, और इधर में पूरा पेड़ सब पूरा एकदम भीग जा रहा है, एकदम पूरा जोर से बारिश भी दे रहा है, एकदम पूरा हवा भी चल रहा है, ठंडा लगता है बहुत जोर से। हाँ तो अभी बारिश थोड़ा सा छूट गया और यहाँ पे पूरा पानी भर गया, इसीलिए ये सब में मिट्टी दे दे रहे हैं और बोरा को ढांक दिए हुए थे, और ये जैन सब फिर वैसा ही हो गया, पूरा पानी में ये सब उजड़ गया, तो इसको जैन को अच्छा से टीप देंगे, और यहाँ पे अभी पूरा मिट्टी देने के लिए जा रहे हैं, और बारिश तो अभी थोड़ा थोड़ा छूट गया है, तो जल्दी से ये वाला करके फिर हम लोग को निकलना होगा, नहीं तो फिर अभी शाम में बारिश मारेगा ना, तो फिर हम लोग यहाँ पे फंस जाएंगे, इसीलिए सबसे पहले जल्दी यहाँ पे कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं घर। तो दोस्तों हम यहाँ पे पूरा अच्छा तरीका से कर लिए और बोरा को बिछा दिए हैं, क्योंकि फिर शाम में पानी आने लगेगा, इसीलिए ये सब को अच्छा तरीका से दे दिए, और मसाला को भी लेस दिए और ईंटा में ऊपर में दे दिए हैं, क्योंकि हवा से नहीं उड़ेगा, इसीलिए आएगा तो मसाला सब नहीं बुहा के नीचे नहीं गिरेगा, इसीलिए ढक दिए, इसीलिए ढक दिया, ढक दिए थे पहले भी लेकिन गिर गया था, इसीलिए थोड़ा अच्छा से अभी ढक दिए तो नहीं गिरेगा। और अभी हम लोग घर चल दिए, थोड़ा बारिश दे रहा है तो फिर भी हम लोग को जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं सो सकते हैं, इसीलिए जल्दी से फिर अगर इधर से बारिश आ जाएगा तो फिर हम लोग यहाँ रह जाएंगे, इसीलिए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों बाय बाय दोस्तों।